हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भाजपा ने रविवार की रात को प्रत्याशियों की 8वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 45 उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा ने 7 महिलाओं को भी टिकट दिया है। दयाशंकर सिंह और उनकी मंत्री पत्नी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट का दावा ठोक रहे थे, लेकिन भाजपा ने हाल ही में ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतार दिया है। कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय को मोहम्मदाबाद से टिकट मिला है। 2005 में कृष्णानंद हत्याकांड में बाहुबली मुख्तार अंसारी का नाम आया था। इस लिस्ट में सबसे अधिक 9 ओबीसी उम्मीदवार है। सूरतगढ़ नगर पालिका में विकास के लिए पूर्व विधायक गंगाजल मील ने विभिन्न स्थलों का दौरा किया। वे शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क व कई स्थलों पर चार दीवारी का कर शहर को सुंदर बनाया जाए, इसके लिए भी कहा गया। इसको लेकर नगर पालिका चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा नगर पालिका ईओ विजय प्रताप सिंह से विचार विमर्श किया। शहर की मुख्य समस्या डाब में गंदगी व कचरे को साफ कर चार दीवारी बनाकर बीकानेर के सुरसागर की तरह साफ सुथरा बनाया जाए। आए दिन यहाँ पर कब्जा विषय का चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि यास्मीन रिंकू सिद्दीकी ने जनप्रतिनिधियों को इस समस्या से निजात पाने के लिए अवगत करवाया। जोधपुर में युवा जागृति विकास संस्था लूनी द्वारा निशुल्क नेत्र एवं दंत जांच चिकित्सा शिविर ननवान गांव के अंदर आयोजित किया गया। शिविर में 416 रोगियों का परामर्श किया गया। शिविर में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मनीष पांडे व दंत चिकित्सक डॉक्टर यश गोदा द्वारा नेत्र व दंत रोगी सहित मोतियाबिंद कालापानी नासूरफोड़ा इन्फेक्शन टेढ़ापन खुजली चलना का इलाज एवं निःशुल्क चिकित्सक के परामर्श दवाई वितरण चश्मा वितरण किया गया। रायबरेली अपने आप को साफ सुथरी छवि का बताने वाले थानाध्यक्ष सरेनी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उस समय लग गया जब आज से 15 दिन पूर्व रविशंकर यादव की 20 वर्षीय पुत्री प्रिंसी जो सरेनी में ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल रखी थी। पिता के मुताबिक उनकी पुत्री को अनुज कुमार पुत्र रामेश्वर पासी बेला फुसलाकर भगा ले गया था। तभी ये बताया गया है कि फोन पर मेरे पुत्र की रोने की आवाज सुनाई दी। पिता का आरोप है कि मेरी पुत्री की हत्या कर दी गई है। मुकदमा लिखने पर पुलिस पैर पर पैर रखकर बैठी है। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के अंदर बसंत पंचमी के पर्व पर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए आगरा यूथ हॉस्टल में मुशायरे का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तमाम तरीके के शायरों ने शिरकत की। साथ ही नजर अकराबादी और निराला की हालत जिंदगी पर भी चर्चा की गई। इस मुशायरे का मकसद बसंत पर्व को कायम रखना, इसके साथ ही डूबती हुई शायरी की विरासत को आगे बढ़ाना था। जौनपुर मीरगंज थाना क्षेत्र के अगवा गांव में मायके आई महिला अपने दो अबोध जुड़वा लड़कों 4 साल की लड़की के साथ में कुएं में कूद गई, जिसमें ग्रामीणों ने महिला को तो बचा लिया लेकिन दोनों जुड़वा बच्चों की मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक 4 साल की लड़की का शव कुएं से नहीं निकाला जा सका था। मीरगंज थाने के ग्राम पंचायत अगुआ निवासी छोटे लाल प्रजापति की पुत्री अंतिमा की शादी 5 साल पहले सिकरारा थाना के चकमैदा निवासी सतीश के साथ में हुई थी। उसका पति सतीश मुंबई रहता था। रविवार की शाम 6 बजे अंतिमा अपनी दोनों 9 माह के जुड़वा बच्चों व बड़ी लड़की श्रेया 4 वर्ष को लेकर घर से दक्षिण तरफ 300 मीटर दूर पर सुनसान जगह स्थित कुएं के पास में जाकर बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से पूरे देश में चलाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णमय भारत की ओर से कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम की शुरुआत में ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में स्वर्णमय भारत की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णमय भारत की ओर मूल्यनिष्ठ समाज समृद्धि राष्ट्र बनाने हेतु अपनी सहभागिता का रेखांकन किया।
इस अभियान के तहत टोंक जिले में 100 गांवों में किसानों एवं ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्यक्रम रखेंगे तथा अध्यापक व्यापारी महिला अधिकारी कर्मचारी डॉक्टर आदि चंदगढ़ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से चादर को लेकर अजमेर दरगाह जा रहे हैं। इस यात्रा में उनके साथ में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन भी है। मुख्यमंत्री का निर्दलीय विधायक ने भी स्वागत किया है। अशोक गहलोत का किशनगढ़ के हरमाड़ा चौराहे पर निर्दलीय विधायक सुरेश टांक के नेतृत्व में स्वागत किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के चलते स्वागत में फूल मालाओं को दूर रखा गया है। बिजनौर के विधानसभा धामपुर से पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में उनकी एक मजबूत पकड़ है और क्षेत्र की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बसपा प्रत्याशी मूलचंद चौहान और एक बुजुर्ग व्यक्ति एक दूसरे के गले लगकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। काफी समय से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। जब हमने उनसे मुलाकात की तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। इसने और प्रेम देकर मेरी आंखें भी छलक आई। उस क्षेत्र का हर व्यक्ति उन्हें बेहद प्रेम करता है। श्रीनगर के मुसैर बस्ती के अंदर 200 निसहाय जरूरतमंद परिवारों को राशन के बैग वितरित किए गए। रोटरी क्लब गोरखपुर मिड टाउन एवं रोटरी क्लब कुशीनगर के संयुक्त तत्वाधान के अंदर 9 फाउंडेशन 175 निसाय निःशुल्क एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन के बैग वितरण किए गए। इस राशन बैग में दैनिक जरूरतों में प्रयोग होने वाली सामग्री रखी गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंदों को राशन बैग के साथ साथ कोरोना के प्रति सुरक्षित रहने हेतु सबको टीकाकरण अनिवार्य रूप से कराने जाने हेतु जागरूक किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर MH खान ने बताया कि अभी 3 दिवस के पूर्व पकवा इनार पटोली एवं करमैनी प्रेम बालिया के मुसार बस्ती के अंदर 200 जरूरतमंद ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 3 मार्च से शुरू होगी। इस साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऐप पर खास सीरीज शुरू हो गई है। जिसमें सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर एग्जाम का नया पैटर्न समझाएंगे। सब्जेक्ट वाइज तैयारी करनी कैसी होगी ये भी बताया जाएगा। कोविड गाइडलाइन और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी। एग्जाम के लिए 6000 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूल बंद रहे, इस वजह से बोर्ड ने परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। कम क्लासेस होने के कारण 10वीं और 12वीं के सब्जेक्ट का सिलेबस इस बार 30% कम किया गया है। बच्चों को कम सिलेबस पढ़कर परीक्षा देनी होगी। कोरोना के कारण लंबे समय तक स्कूल नहीं खुलने और पढ़ाई में रुकावट की वजह से बोर्ड ने यह फैसला लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।